कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइगर 3 के टाइगर का मैसेज के बारे में। तो बता दें कि टाइगर का मैसेज आ चुका है ऑफिशियली कहा जाए तो। एक्चुअल में ये टाइगर 3 का टीजर ही आप मान लो, क्योंकि ये 1.5 मिनट का जो टीजर है इसके अंदर हमें काफी कुछ देखने को मिला है और ऑफिशियली हमें टाइगर का मैसेज सुनने को मिला है, जिस मैसेज के अंदर हमें काफी कुछ पता चला है कि हाँ भाई टाइगर जो है एक्चुअल में यहाँ पे देशद्रोही घोषित हो चुका है। लेकिन यहाँ कब हुआ, कैसे हुआ और इसके ऊपर पूरी फिल्म के अंदर हमें कहानी देखने को मिलेगी। लेकिन ना ओवरऑल पता लगाते हैं कि हाँ इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है और इस मैसेज के पूरी जांच पड़ताल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज का स्टार्ट शॉट हमें देखने को मिलता है, जो कि हमें पता ही है, टाइगर 1 और टाइगर 2 का सीन देखने को मिलता है। लिटरली यहाँ पे जो हमें टाइगर 3 का कुछ शॉट्स मिलता है, जो कि लिटरली हम देखते हैं हमारे टाइगर मतलब सलमान खान जो है एक मैसेज रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, मतलब हिंदुस्तान के लोगों के लिए, कि एक्चुअल में वो देशभक्त है या फिर देशद्रोही, आप डिसाइड करो। क्योंकि कल को उसका बेटे के सामने लोग ये ना कहे कि इसका बाप जो है वो देशद्रोही है और जो उसने देश के लिए किया है ये सब कुछ उसे बताया जाए और उसे एक देशभक्त के रूप में देखा जाए, ये पूरी बात वो कहानी बता रहा है। लेकिन एक्चुअल में उसे देशद्रोही घोषित करने के पीछे रीजन क्या था। तो ओवरऑल यदि आपको टाइगर पार्ट 1 याद है, स्टार्टिंग फिल्म जहाँ पे टाइगर को मतलब हमारे सलमान भाई को कैटरीना कैफ जो कि होती है ISI की एजेंट, उससे प्यार हो जाता है और उसी फिल्म के अंदर उन्हीं के साथी लोग मतलब कि रॉ एजेंट्स ही उनके दुश्मन बन जाते हैं और वहीं से स्टार्ट हो जाती है टाइगर को एक देशद्रोही घोषित किया जाता है। लेकिन लास्टली हमें लगता है कि शायद टाइगर मर चुका है, लेकिन हम पार्ट 2 के अंदर देखते हैं जहाँ पर रॉ एजेंट जो है वो टाइगर की हेल्प लेता है और एक मिशन को अंजाम देता है। लेकिन हाँ फिर से वापस थर्ड पार्ट के अंदर फिर से टाइगर को देशद्रोही घोषित करना, इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, क्या फर्स्ट पार्ट से लिंक्ड है, कैटरीना कैफ से लिंक्ड है या फिर हमें कुछ नए पहलू को देखने को मिलेगा। क्योंकि भाई इस टीजर के अंदर ना हमें ना ही इसके विलन मतलब कि इमरान हाशमी देखने को मिला है और ना ही कैटरीना कैफ के सीन देखने को मिले हैं, बस टाइगर मतलब सलमान खान के फुटेज देखने को मिले हैं। लिटरली मुझे लगा शायद इतना ही देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ लास्ट के जो फास्ट कट के साथ हमें काफी कुछ एक्शन सीक्वेंस देखने को मिले हैं जो लिटरली वाइड रेंज में शूट किया गया है, जो एक्शन सीक्वेंस देख के लगता है कि हाँ हमें अच्छे खासे एक्शन सीक्वेंस यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। तो लिटरली हम वेट भी कर रहे हैं क्योंकि भाई आजकल जो मूवी आ रहे हैं ना आप देख लो, उसके अंदर एक्शन सीक्वेंस बहुत ही मायने रख रहा है और VFX के ऊपर भी बहुत अच्छे काम किए जा रहे हैं। इसीलिए तो अभी देखो मास मसाला मूवी जितने भी बॉलीवुड या साउथ के अंदर से आ रहे हैं वो बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा पैसे कमा रही है और ऑडियंस भी इसी टाइप की मूवीज पसंद कर रही है। ये मूवी भी उसी लाइन में होने वाली है और ये फिल्म अच्छा खासा पैसा कमाने वाली है। आपको पता ही होगा सलमान खान के फैंस तो भरे पड़े हैं इंडस्ट्री के अंदर, और देखते हैं कि इस फिल्म के अंदर में क्या कुछ देखने को मिलता है। दिवाली के ही दिन पता चलेगा कि एक्चुअल में इस सारे कांड के पीछे क्या कारण था। लेकिन मुझे बता दें कि आज ही के दिन हमें टाइगर श्रॉफ के मूवी का टीजर देखने को मिलने वाला था गणपत का, लेकिन हाँ अब फाइनली शायद उसका डेट पोस्टपोन कर दिया गया है, अब वो 2 दिन के बाद देखने को मिलेगा। आप कितना एक्साइटेड हो टाइगर 3 के लिए आप नीचे कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।